यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भीरार में चोरों ने गुलाब जामुन पर साफ किया हाथ। मेडिकल दुकान से कैश 55,000 चुराने के बाद बैठकर गुलाब जामुन का लिया स्वाद। दुकान मालिक के लिए छोड़े 2 गुलाब जामुन। दुकान मालिक असमंजस में चोरी हुई इसके लिए अपनी किस्मत पर रोए या चोरों के 2 गुलाब जामुन छोड़कर जाने से हंसे। विरार में एक मेडिकल में चोरी की घटना सामने आई है। इस चोरी के बाद मेडिकल मालिक बिलाराम देवासी अपनी किस्मत पर रोए या चोरों की हरकत पर हंसे इस असमंजस में फंस गया है। मामला है विरार पूर्व के कुंभारपाड़ा परिसर का, जहां चामुंडा मेडिकल शॉप नामक दुकान में कल रात्रि में चोरों ने हाथ साफ किया। दुकान की खिड़की से घुसे चोर ने मेडिकल दुकान के गले में रखे 55,000 रुपये कैश उड़ा लिए और जाते जाते मेडिकल में बेचने के लिए रखे हल्दीराम कंपनी के गुलाब जामुन की पैकिंग खोलकर पूरे डिब्बे को अस्त व्यस्त कर दिया। रोज की तरह सुबह मेडिकल मालिक जब अपनी दुकान पर आया तब चोरी होने का पता लगा। दुकान में चोरी होने की वजह से मायूस हुए दुकानदार की जब नज़र गुलाब जामुन के डिब्बे पर पड़ी तब उसने देखा कि चोरों ने डिब्बे की पैकिंग खोलकर 10 में से 8 गुलाब जामुन तो खा लिए, लेकिन 2 गुलाब जामुन उसी डिब्बे में छोड़कर चले गए। चोरों की हरकत से दुकानदार को हंसी आ गई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। नाम क्या है तेरा और क्या क्या दुकान में चोरी हुआ है और कैसी चोरी थी? बिलाराम देवसी मेरा नाम है। और पैसे वगैरह गया कैश, बिस्किट वगैरह थोड़ा बहुत और कुछ सामान था, सेव वगैरह, और एक रसगुल्ला भी खा के गया है। कैसे रसगुल्ला? कौन सा पैकेट था? 10 आता है उसमें, बॉक्स में रहता है, सॉरी डिब्बी में रहता है। उसमें से 6 खा के गए, बाकी छोड़ के गए 2-3। और क्या क्या नुकसान किया है साथ में, क्या क्या चोरी किया उसके साथ? उसके साथ में कुछ पैसे हुआ है, ज़्यादा था अपना पैसा था। मैंने कंप्लेंट की है इसका, कंप्लेंट किया, पुलिस वाले भी आके गए। रसगुल्ला चोरी किया, रसगुल्ला खाया, मतलब क्या किया था उसने? मेरे पढ़ा था आगे, खोल के लोग ने खा के गए, वो लोग चोरी किया तो क्या वो पीछे जाके खा भी गए, वो क्या खाया? और रसगुल्ला खाया। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।